तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और 3.3 जो एक्सरसाइज थी उसमें बहुत सारे फार्मूले थे और मैंने कहा था कि वो फार्मूले आपने याद करने हैं, क्योंकि बिना उन फार्मूलों के हमको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि आपने प्रूव करना है कि कॉस 2x मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस पॉइंट 2 माइनस कॉस 3x कॉस 9x पॉइंट 2, और इसे आपने प्रूव करके बताना है कि साइन 5x इंटू साइन 5x पॉइंट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, कॉस 2x कॉस एक्स पॉइंट 2 माइनस कॉस 3x और कॉस 9x पॉइंट 2। तो अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। जब आपको सारे फार्मूलों की जानकारी होगी तभी आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। सी डी फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो जब भी आपका जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है और हमारे पास मल्टीप्लाई में चार फार्मूले हैं, तो मैंने एक फार्मूला लिखा जो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है कॉस एक्स और ये कॉस वाई, मतलब दोनों के एंगल अलग अलग है ना। ये 2x है और ये एक्स पॉइंट 2 है, तो ये एंगल अलग है, ये अलग एंगल अलग है। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा कि 2 cos x इंटू कॉस वाई, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे हमें दो चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसके इक्वल है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो चलिए हम ये यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हो 1/2, और ये पहले वाले ये दो फंक्शन है, 2 cos x cos y बन गया, दिस इज 2 cos x cos y। तो मेरे पास आ जाएगा cos x प्लस वाई, तो x यहाँ पे बेटा 2x है, y है x पॉइंट 2, आगे प्लस का साइन बेटा, फिर कॉस, फिर एक्स माइनस वाई, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। आगे क्या लिखा है, माइनस, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 2 cos 3x cos 9x.2, तो 2 cos x cos y, दिस इज 2 cos x cos y। अब यहाँ पे देखिए, कॉस एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे एक्स कौन है, 3x, वाई कौन है, 9x/2, ब्रैकेट में आगे क्या साइन है, लेकिन मैं माइनस लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाना पड़ेगी, ब्रैकेट को हटा लें तो दोनों जो है दोनों फंक्शन माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, कॉस 3x माइनस 9x/2 और स्क्वेयर ब्रैकेट। तो बस अब काम ख़त्म, फार्मूला हमने लगा दिया और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, कॉस ये कितना आ गया, 4x, और ये एक एक्स कितना बन जाएगा, 5x, और अपॉन, ठीक है, आगे प्लस कॉस ये कितना आ गया, 2 2 4 कितना आ गया, 3x/2, आगे माइनस और 15x/2 माइनस 6 माइनस 3 माइनस, लेकिन मैं यहां पे माइनस हटा रहा हूं। कोई बता सकता है ऐसा क्या क्यों किया मैंने? हाँ जी, कॉस जो जब एंगल के साथ माइनस लग जाता है तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस होता है फोर्थ में पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस ना भी लगाओ तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब
इन दोनों में से कोई टर्म, चार टर्म है, 1, 2, 3, 4, क्या कोई कैंसिल होती है जी? तो मेरे पास आ गया जी cos 5x माइनस, चलिए अब क्या कोई और फार्मूला अप्लाई होगा? कौन सा? CD फार्मूला। तो ये फार्मूला मेरे पास cos x माइनस cos y, और ये होता है जी माइनस 2x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 1/2 ब्रैकेट बेटा, तो यहाँ पे आ गया 2, साथ में माइनस भी है साइन, तो ये x है बेटा और ये तो ये आ गया जी 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2, और अपॉन में ये आप थोड़ा ध्यान दें 5x अपॉन 2 तो एंगल है, 15x अपॉन 2 एंगल है, दोनों एंगल को ऐड करना और अपॉन क्या लिखना है? 2। ये 2 फार्मूले के कारण है, कई बार हम जल्दी जल्दी में ये 2 भूल जाते हैं। नेक्स्ट साइन, आगे क्या आ गया? 5x माइनस 15x अपॉन 2 अपॉन 2, ठीक है, और क्या बन गया? ये कैंसिल, और क्या आ गया? माइनस, ये क्या बेटा? साइन। इसको सॉल्व करो, 15 और 5 20 अपॉन 2 10, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आगे साइन। आप देखो यहाँ पे 15 में, चलिए नेक्स्ट एलसीएम 2, 15 में से 5 चल गए 10, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, साथ में माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ 15 जो है वो माइनस के हैं। अब यहाँ पे क्या है, कौन सी क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में, तो फोर्थ में साइन, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस एक है, चलो ऐसे रहने देते हैं, ये माइनस माइनस, क्या यही आंसर है? यस सर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कोज एक्स प्लस कोज वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, तो आपने प्रूव करना 4 कोज स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, एंगल आपको एक्स वाई में ही गिवन है, तो हमने जो फार्मूले याद किए हैं वो एक्स वाई में ही किए हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, और एक कोज एक्स प्लस कोज वाई है, तो यह लिख लेते हैं, चलो पहले कोज एक्स प्लस कोज वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई करें जी, कोज एक्स प्लस कोज वाई, तो मेरे पास है 2 कॉज एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और होल स्क्वायर है प्लस, ये फार्मूला हमारे पास है 2 कॉज एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ नोट करनी है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, या इसको कांस्टेंट बोल लो, एक फंक्शन ये कंप्लीट, ये कंप्लीट है, ये अलग है, ये एक कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट है, मतलब ये 3 यहाँ पे हमारे पास टर्म है 1, 2, 3, और ये एक सिंगल टर्म है, आप इसको अलग अलग नहीं गिन सकते, ये याद रखना चीज़ें, ठीक है, नोट रखना है चीज़ को। तो अब हमने स्क्वायर करना है बेटा, स्क्वायर करेंगे, तो मैंने बोला ये तीनों मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो स्क्वायर कर दो, 4 कोज स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉज एक्स माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर, और यहाँ पे कई बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कॉज एक्स वाई अपॉन 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसा भी
आप सोच सकते हैं भी ऐसा कर देते हैं कि इसे भी स्क्वेयर कर देते हैं, इसे भी स्क्वेयर करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये इसका एंगल है, एंगल स्क्वेयर नहीं होगा, सिर्फ आपने फंक्शन को स्क्वेयर करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे 4 cos स्क्वेयर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म बन गए हमारे पास, एक पूरा ये टर्म है पूरे के, ये इनमें दोनों में से जो कॉमन है, 4 कॉमन है बेटा, और cos स्क्वेयर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन है दोनों में, ये और ये। तो यहाँ बच गया cos स्क्वेयर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये हमारे पास होता है जी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा, दैट इज़ 1। तो ये cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो मेरे पास आ गया 4 cos स्क्वेयर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, नोट कर लो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपने फाइंड करना साइन एक्स अपॉन 2, कोज एक्स अपॉन 2 और टैन एक्स अपॉन 2। एंगल आपका हाफ है और जो आपको गिवन है ना वो कंप्लीट एंगल है। तो हमारे पास इनको फाइंड करने के लिए 3 फार्मूले हैं, जहां मैंने लिखे हैं पहले कि अगर आपने साइन एक्स बाई 2 निकालना है तो आपको यहाँ लिखना है 1 माइनस कोज एक्स अपॉन 2, कोज एक्स अपॉन 2 आपने फाइंड करना है तो 1 प्लस कोज एक्स अपॉन 2, और टैन निकालना है तो 1 माइनस कोज एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स। तो ये मीनिंग है कि हमें टैन गिवन है बेटा, तो फिर हमें क्या चाहिए, कोज चाहिए, तो हम टैन से कोज फाइंड करेंगे। आपको पता है वी हैव 1 प्लस टैन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सीकन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इतना हमें पता है। तो यहाँ से हम सीकन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और सीकंट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर रूट, और यहाँ ना प्लस माइनस। अब एक्स का काम शुरू होता है, एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, सीकंड क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सीकंड एक्स की वैल्यू आएगी माइनस रूट 1 प्लस टैन स्क्वेयर एक्स। अब आप सिंपल इसमें वैल्यू पुट करें, 1 प्लस टैन की वैल्यू आपके पास है माइनस 4.3, उसका स्क्वेयर कर दे बेटा और सॉल्व कर दें तो 5/3 साथ में, और इसे आप रेसिप्रोकल कर दें तो जे आपको चाहिए था तो ये आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो x है ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में कॉज क्या होता है, इसका मतलब आपका ये ठीक है ना आंसर जो आया। अब आपने फाइंड करना साइन एक्स वाई 2, कोज एक्स वाई 2, टैन एक्स वाई 2, तो जो एक्स वाई 2 एंगल है वो कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया, सोचो सोचो, एक्स जो एंगल है वो बेटा यहाँ पे है, सॉरी सेकंड में, एक्स जो एंगल है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स अपॉन 2 एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, एक्स जो है मान लो 90 डिग्री है, तो 100 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना हुआ, तो 50 थर्ड में गया कि फर्स्ट में आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड गिवन है, देयरफॉर एक्स अपॉन 2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर एक्स अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स अपॉन 2 कॉमा एक्स अपॉन 2 और टैन एक्स अपॉन 2 आर पॉजिटिव। मैंने फार्मूले में प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है साइन एक्स अपॉन 2
फार्मूला है आपके पास रूट वन माइनस कोज एक्स अपॉन टू प्लस माइनस, तो अब आप क्या लेंगे प्लस लेंगे, वो यहाँ से आपको पता चला कि आपने प्लस लेना है। फार्मूले में प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन अब हमारा जो एंगल है वो एंगल डिसाइड कर रहा है कि ये पॉजिटिव होगा कि, अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर दो तो वन माइनस कोज, कोज ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, नीचे टू आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 5 + 3/5 और कितना आ गया 8/5 × 2 और ये आ गया 4/ और 2/√5। और आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप रैशनलाइज कर देंगे तो ये बन जाएगा 2√5। तो सेकंड हम फाइंड करते हैं कोज, कोज एक्स अपॉन टू, तो इसमें भी प्लस आएगा। कोज का फार्मूला है 1 + cos x / 2, आप वैल्यू पुट करें बेटा, 1 कोज एक्स आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और नीचे 2। आप आगे देखो एलसीएम का है 5 − 3/5/2, फिर आगे 5 में से 3 गया 2, 2/5 और ऑलरेडी नीचे कितने हैं ये कैंसल, क्या आ गया आप इसे √5 से आप रैशनलाइज कर देंगे तो √5/5। तो अब आपके पास साइन एक्स वाई टू भी आ गया बेटे, कोज एक्स वाई टू भी आ गया। अब आप फाइंड करना चाहते हैं टैन एक्स वाई टू, तो यहाँ तो आप बेटा ये फार्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ सीधा ही आप साइन एक्स वाई टू कोज एक्स वाई टू वैल्यू पुट कर दे, तो साइन एक्स वाई टू कितना है 2√cos x, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है कितना आंसर, ठीक है समझ आ गया। तो नोट कर लें फिर, इसी के साथ आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है थर्ड ये फिनिश हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है क्योंकि इस जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है काफ़ी पोर्शन जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन का जो है वो यहाँ से आपको आएगा।